أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे केमिस्ट्री का सबसे पहले हम ओल्ड डिफिनेशन करेंगे branch of science which deal with the study of matter. The branch of science की वो शाख in which जिसमें हम the branch of science की वो शाख which deal with the study of matter जिनमें हम matter की study करते हैं. matter किसे कहते हैं? matter को discuss करेंगे. matter anything that occupy space and having mass. Anything that occupy space and having mass. हर वो कायनात में हर वो चीज जो जगह के रहे और कुछ वजन रखे तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. फर्ज करें हम मैटर की एग्जांपल ले लेते हैं. इजी हमारे साथ एयर द एयर वी ब्रीथ हवा जो हम सांस लेते हैं ये मैटर है. फूड 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 हो गया. वाटर हो गई. इसी तरह ये पेन हो गया. यानी कि कायनात तो सारा हमारे साथ मैटर से बना हुआ है. यानी तो इसी तरह केमिस्ट्री हमारे साथ तो जिसके ओल्ड डेफिनेशन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस साइंस की वो शाखा व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे केमिस्ट्री कहा जाता है. इसके बाद हम न्यू डिफिनेशन करेंगे. न्यू डिफिनेशन इसके लिए मैं इसको मिटाता हूं. आप इनके स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं. इसमें हमारे साथ न्यू डेफिनेशन New definition, chemistry, the study of matter, number 2. ये देखो ये हमारे साथ क्या है? ये एक matter है. तो क्यों? क्योंकि ये mass भी रखता है और volume भी रखता है. तो इसको हम मैटर कहते हैं. इस मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं. इसके बाद कंपोजिशन. ये अगर आप सोच करें तो कि ये किस चीज से बना है? ये प्लास्टिक से बना है, लोहे से बना है. तो ये हमने किस चीज को स्टडी की? ये हमने इसकी कंपोजिशन को स्टडी की. तो दूसरा हमारे साथ कंपोजिशन आ जाएगा. कंपोजिशन ऑफ मैटर. मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं. इसके बाद हम इसका ढांचा देखते हैं. इसकी साख देखते हैं कि इस पेन की साख कैसी है. इसमें कौन से एंगल है, कौन से एंगल से बना हुआ है, किस तरह लिखाई इसमें करते हैं, इसका चोंच कौन से एंगल पर काटा हुआ है. तो ये हम इसकी क्या स्टडी करते हैं? ज्योमेट्री यानी स्टडी करते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. स्ट्रक्चर ऑफ मैटर.
इसके बाद हम कहते हैं कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये निकल कैसे करते हैं, इसका कलर कैसे होता है, तो ये हम क्या किस चीज को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसके बाद अगर आप इसको आग लगा दें, इस पेन को आग लगा दें या ये बोर्ड है इसको आग लगा दें, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज अकरिंग इन मैटर, चेंज अकरिंग अकरिंग इन मैटर। तो ये देखो मैटर है, इसको मैं आग देता हूं तो ये एश में कन्वर्ट हो जाता है गैस में, कंडेंसेट गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की शक्ल में से गैस निकल जाता है। तो ये हमारे साथ ये चेंज अकरिंग इन मैटर, ये मैटर है इसमें चेंज आ गया, तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे साथ द ला एंड प्रिंस दिला एंड प्रिंसिपल प्रिंसिपल बाय विच दीज चेंज अकर। तो इसके बाद हम वो उसूल, वो ला और वो प्रिंसिपल उसूल पढ़ते हैं जिसकी वजह से ये तब्दीली आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अभी मैं आपको इसमें कुछ ऐसी चीज है जो जिस पर स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होती, इसमें हमारे सबसे पहले मैं कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के दरमियान फर्क करूंगा, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के दरमियान क्या फर्क है। इसमें फर्स्ट करें दो आदमी है, दो आदमी का कौन सा चीज सेम होगा, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर, कौन सा चीज। इसमें हमारे साथ देखो दो आदमी है, दोनों सेल से बने हैं, यानी कि उनका जो कंपोजिशन, कंपोजिशन कंपोज ऑफ से निकला है, कंपोज ऑफ से निकला है, यानी कि वो कंपोजिशन, वो दोनों आदमी कंपोज ऑफ ए सेल, दोनों सेल से बने हैं, तो दोनों का कंपोजिशन सेम है और उनका एक कद का, एक का कद लंबा होता है, दूसरे का छोटा होता है, एक मोटा होता है, पतला होता है, और शक्ल में और ढांचा उसका सेम नहीं रहता, तो उनके दो आदमियों के कंपोजिशन सेम होगी और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगी। इसके बाद इसमें मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। प्रॉपर्टी 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 हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक हमारे साथ फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा हमारे साथ केमिकल है, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी वो खासियत को कहते हैं, प्रॉपर्टी खासियत को कहते हैं, वो खासियत को कहते हैं जो आप फाइव सेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइव सेंस जिसको हम फाइव सेंस से मालूम कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, फाइव सेंस। फर्सन किस तरह, जिस तरह विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, जो हम स्किन की मदद से करते हैं, यानी कि मैंने इसको देखा, इस पेन का कलर कैसा है, तो ये मैंने किस चीज को डिस्कस किया, प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, और प्रॉपर्टी में भी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्यों कि ये मैंने फाइव सेंस के साथ, जो एक ही सेंस है विजन, इसके साथ मैंने जज किया कि इसका कलर व्हाइट है। इसके बाद आप तो यानी उस फाइव सेंस में हमारे साथ विजन आता है, हेयरिंग आते हैं, हेयरिंग टच, विजन, हेयरिंग, टच, इस्लामिक टच नहीं, ये विजन हो गया, हेयरिंग हो गई,
हो गया। इसके बाद हमारे साथ टेस्ट जायका, और चार हो गए सिंह। देखना तो ये हमारे साथ फाइव सेंस है, जिसके साथ यानी हर वो खासियत जो आप अपने फाइव सेंस के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो आप इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में हमेशा केमिकल चेंज आएगा, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज आएगा। केमिकल चेंज किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये हमारे साथ ये देखो ये हाइड्रोजन है, ये प्लस, ये आयोडीन है। हाइड्रोजन पहले ग्रुप का एलिमेंट है और ये सात ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये दो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉरी इसमें हमारे साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है और ये छठे ग्रुप का एलिमेंट है। जब ये तो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। और ये देखो ये हमारे साथ गैसीय स्टेट में रहता है, ये भी गैसीय स्टेट में है और ये क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो उसमें केमिकल चेंज आएगा। तो ये हमारे साथ केमिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल। और इसमें अगर आप हम दूसरी खासियत को देखते हैं कि ये देखो आग में जलता है और ये जलने में मदद देता है, लेकिन जब आप इसको मिला दे, केमिकली मिला दे, तो इससे एक ऐसा चीज बन जाता है जो आपको बुझाता है। तो इसमें हमारे साथ केमिकल प्रॉपर्टी में हमेशा केमिकल चेंज आएगा, एक नया चीज बनेगा। दूसरे इसके बाद आज के लिए इतना काफी है कि हमने केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन भी की, न्यू डेफिनेशन भी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन को पढ़ेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे। और उसके बाद लेक्चर में इंशाल्लाह रोजाना हम एक एक दो दो लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।